दोनों ब्लैक में हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट फाट। तो जी आज का सीन क्या है जी, आज मैं जा रही हूँ जी मंगल बाज़ार और फर्स्ट टाइम मैं मंगल बाज़ार देखने जा रही हूँ। पहले हम उतरे शाहकोट, तो शाहकोट का मैंने देखा था जुम्मा बाज़ार, अब हम देखेंगे जी लाहौर आ चुके हैं, अब हम उसको देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ है और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जी हम निकल चुके हैं, लेट्स गो होते हैं। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो जी हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, यहाँ आने का ये फ़ायदा है जी, यहाँ बाज़ार में हमारा घर है तो यहीं गली में ही हमें रिक्शा मिल गया। उधर जहाँ पर हम शाहकोट में रहते थे वहाँ पर हमें बाज़ार में पहले निकलना पड़ता था, फिर हमें रिक्शा मिलता था। तो जी हमारा सफ़र जो हो गया शुरू हो गया है, छोटा मोटा सा सफ़र है हमारा। तो ये चलते हैं, देखते हैं जी कैसा है जी मंगल बाज़ार। और ये जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ। पहले तो स्टार्टिंग में गली में काफ़ी उन्होंने लंबा सा स्टॉल वगैरह चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं, बाज़ार लगा है, गली में बाज़ार लगा है। फिर कहते हैं जी, हम उनसे पूछते पाछते गए हैं जी किधर है किधर है। पहले तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, चप्पलें और हमें जैकेट वगैरह, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया, बस देख रहे थे, चेक कर रहे थे क्या क्या है यहाँ पर। इतना रश था यहाँ तो शाहपुर से भी ज़्यादा, यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे बहुत रश है। मुझसे तो मैं मामा आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे, मुझे ये था कि मैं घूम ही ना हो जाऊँ। तो बहुत रश था, मुझसे ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो खैर यहाँ मामा उर्वा के लिए देखने लग गई थी कि हमें हुड मिल जाए, जैकेट मिल जाए, तो कुछ खास पसंद नहीं आई। तो जी देख ही रहे थे क्या कुछ है यहाँ पे। वेलवेट की शर्टें थी, स्टिच शर्टें थी, ये हैंग की हुई हैं। और जी अब हम आगे अंदर जो है, अंदर वाले बाज़ार जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखें जी, अच्छी चीज़ें थी, कुछ अच्छी थी कुछ नहीं थी, और सस्ती भी मिल रही थी। ये भी ये देखें, गाउन वगैरह इन्होंने, ये चादरें वगैरह, शॉल वगैरह रखी हुई हैं। तो खैर हम लेने तो कुछ ख़ास चीज़ें आए नहीं थे, मतलब मामा ने देखनी थी जी कुशन के कवर वगैरह जो है, सोफ़े के जो कुशन होते हैं उनके कवर देखने थे, उन्होंने स्टिच करने को दी, तो वो हम देखने आए थे। तो खैर हमने कहा चलो देखते हैं और भी कुछ चीज़ें नज़र आ जाएँ। ये स्टिच कुर्ते नज़र आए मुझे, मैंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं। कुछ मुझे अच्छी लग रही थी शर्ट्स, कुछ नहीं अच्छी लग रही थी, बट इनका ना स्टफ़ नहीं अच्छा था, कपड़ों का जो है ना स्टफ़ वो उतना ख़ास अच्छा नहीं था। तो बस हमने देख तो लिया उनके कहने पे, बस फिर आगे निकलते हैं। आगे आए जी नज़रें हमें लेस वगैरह, लेसेस वगैरह, फिर ये क्लिप वगैरह, कैचर। मामा कहती आप कैचर देख लो, लेकिन जो उनकी थी ना ग्रिप करने वाली जो है क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आए। मामा तो कह रही थी देख लो, लेकिन मैं चीज़ बड़ी मुश्किल से पसंद आती है, मामा को भी मुझे भी। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं। और ये मुझे शर्ट्स नज़र आई, इतनी प्यारी शर्ट्स थी, दिल कर रहा था बंदा ना तीन चार सारी इकट्ठी करके ले जाए। और ये ब्लैक और साथ इसके ऊपर स्किन कलर का जो है डॉट्स वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह, इस तरह की डिज़ाइन हुआ है। तो एक ये ली और एक ये मैंने ली है, सिल्क की शर्ट है, ऊपर प्रिंट है और नीचे ब्लैक, ये दोनों मुझे शर्ट पसंद आई हैं। लेकिन ये एक बंदा नहीं हमें अच्छा लगा, ये बड़ा फ्रॉडी बंदा था। पहले इसने हमें कुछ और प्राइस बताई, बाद में कहता नहीं ये लेनी है, तो हमारे साथ इसका सब फड्डा हो गया। ये भी बड़ी स्टोरी है। और जी आगे नज़र आए हमें ये भाई, हम तो वैसे ही ना देख रहे थे कोई अच्छा सा कपड़ा मिल जाए, लेकिन मुझे स्कर्ट पसंद आ गई, बल्कि लॉन्ग फ्रॉक है, ये जो ब्लैक है ना, ये मामा इसको देख रही हैं, तो ये मुझे पसंद आई लॉन्ग फ्रॉक, इतनी प्यारी थी। ये भी मैं आपको ना दिखाऊंगी, और ये पसंद आई है, और मैं आप किसको प्राइस बताऊंगी, आप लोग ना हैरान रह जाओगे। चलो खैर आप लोग जब कभी आएंगे मंगल बाज़ार तो फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कुछ अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं। ये जो मैंने शर्ट्स ली है ना वेलवेट की, सिल्क की, और बहुत अच्छा मोटा स्टफ़ है, शर्ट्स मुझे अच्छी मिल गई है। तो खैर अब आगे निकलते हैं। अब मामा, मैंने कहा मामा मैंने तो, मुझे तो चीज़ मिल गई जो कि मैंने लेनी नहीं थी, बट जो आपने चीज़ लेनी है ना उसको अब देखते हैं। मैं क्योंकि बहुत थक गई थी, पता नहीं मुझे रश में पता नहीं क्या होता है, मेरे ना सर को कुछ होने लग जाता है, मुझसे रश में ना इतना ना
घूमा फिरा नहीं जाता। तो मामा अब देखने आई है अपने कुशन के कवर्स, ये कॉपर और ब्राउन में, मामा को अच्छा लगा। लेकिन ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मम्मा इसको छोड़ें। और वो भाई दिखा रहे थे काफ़ी लंबा, लेकिन हमें इतना ज़्यादा कपड़ा ही चाहिए था। तो मैंने कहा मम्मा इसको छोड़ें, हम कहीं और देखते हैं। लो जी, काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा है बाज़ार, पहले तो गलियों में लगा हुआ था, फिर आ गई। ये हमको पसंद आ चुका है, ये मैंने कहा था मम्मा इसको बस यस कर दे, डन करे इसको, और फिर हमने इसको लेके निकलते हैं। अब आगे मैं यहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें देख रही हूँ और वो मुझे मिल चुकी है। लोरी पूरा लिया मैंने, और अपने जो है ना, जो मुझे रात को बैठ के क्रेविंग होती है वो मैंने ली, लोरी पूरा लिया, कोई नीमकू शिमकू और इस तरह की चीज़ ली। पहले शाहगढ़ में मैं छोड़ती नहीं थी लोरी पूरा, और यहाँ पर मंगल बाज़ार लगा और यहाँ पर मैंने इसको ये मुझे मिल गया लोरी पूरा। तो चलो अपनी मतलब की चीज़ मैंने पैक करवाई और निकलते हैं अब घर की तरफ। सो लेट्स गो, घर जाते हैं जी। नीमो हमारा इंतज़ार कर रहा है, नीमो को हम बंद करके आए थे, नीमो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, उसको भी भूख लगी होगी। तो जी ये देखो यहाँ पे लाहौर की ट्रैफिक, तोबा तोबा, लाहौर से निकलना बहुत मुश्किल है। तो जी हम घर पहुँच चुके हैं, लाइट ऑफ हुई हुई थी। देखते हैं जी अब नीमो को मैं खाना दूँगी, सबसे पहले तो बेचारा भूखा बैठा हुआ हमारे इंतज़ार में। सो गाइस घर पहुँच के थोड़ी रेस्ट वेस्ट की और नीमो के साथ बातें शातें की मैंने और वो उसको भूख लगी, मैंने उसका खाना निकाला है। पहले उसका खाना निकालती हूँ, फिर मैं उसको जाके करूँगी किचन में मेल्ट, काफ़ी फ्रीज हुआ। और वो देखा जी उसको मुसीबत पड़ गई है कि मेरा खाना आ गया और मुझे खाना मिल गया, और मैं देने लगी हूँ उसको मुर्गी का सर। ये मैं सुबह टाइम उसको नाश्ते में मैंने देना होता है दही और अंडा शंडा खाता, और फिर शाम टाइम मैं उसको देती हूँ ये उसका जो खाना गोश्त, क्योंकि वो गोश्त तो नहीं ना रह सकता। और ये खाने लगा है जी मुर्गी का सर, ये इसके लिए स्पेशल मैं मंगवाती हूँ स्पेशली भाई को कह के, और कितने मज़े से खा रहे हैं। ये मेरा ना छोटा सा दोस्त है मेरा इस। सो गाइस शाम का टाइम हो गया और आज मैं बना रही हूँ जी फलियाँ और चिकन, आज मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ कि मामा बाज़ार गई थी, मामा काफ़ी थक चुकी थी, मामा को मैंने कहा चले आप रेस्ट करें और मैं बनाती हूँ खाना। फलियाँ मैंने धो के रख दी हैं और आगे मैंने मसाला वगैरह बना लिया चिकन का, वो रेडी हो चुका है मसाला, भून लिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी फलियाँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कब खाना बनाना सीखा था, आई थिंक हाँ मामा का था आँख का ऑपरेशन, तब मैंने यहाँ खाना बनाना सीखा था। और खाना मुझे जल्दी आ गया था बनाना, लेकिन मुझे रोटी बनाने में बहुत टाइम लगा था। रोटी बनाने का जो मेरी जर्नी है ना, वो मैंने रमज़ान में सीखी थी और वो भी बड़ी मुश्किल से बनाई थी। मेरी रोटी जो है ना, मेरे छोटे भाई ने बड़े मैं क्या बताऊँ मेरी रोटी क्या स्टोरी है, उसने मेरी रोटी खाई थी जैसे जैसे मैं बनाती गई। सो गाइस मेरा खाना रेडी हो चुका है, और सालन तो मज़े का बना ही था, लेकिन मज़े के साथ साथ स्पाइसी भी बड़ा बना लिया था मैंने। सब सी कर रहे थे। तो जी खाना खाने के बाद हम करेंगे जी अब चाय का सीन, चाय मैं बनाऊँगी, चाय की भी मेरी बड़ी तारीफ होती है जी। और उसके साथ मेरा होगा लाहौरी पूरा, कुड़ुक कुड़ुक करके खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।